हे गाइस, उम्मीद है बैक विद अंदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं इस रियलमी 8 प्रो का कैमरा टेस्ट, पूरा इन डिटेल करने वाले। तो लेट्स सी कैसा है। अभी ये मैं अपने फ्रंट कैमरा, इतने रियलमी 8 प्रो के फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसे आ रही है फुटेज। आज बहुत विंडी है और ये मैं लाइट के अपोजिट खड़ा हूँ, तो फिर भी मेरा फेस फोकस में आ रहा है जैसे आप देख सकते हो। और अभी मैं लाइट के सामने खड़ा हूँ तो कैसे दिख रहा है। तो गाइज, ये सब मैं अब बताने वाला हूँ कैसे होने वाले वीडियो क्वालिटी और कैसे है फुटेज, और उसके बाद कौन से मोड्स आपको मिल जाते हैं, फिल्टर्स क्या होने वाले हैं। तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूले अपने उम्मीद टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले। सो गाइज, रिकॉर्डिंग दिस ऑन दी रियलमी 8 प्रो 1080p 60fps। तो जैसे आप देख सकते हो, ये हैंड हेल्ड वीडियो है और बहुत अच्छा आ रहा है फिर भी रिकॉर्डिंग। और मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ और 60fps ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी भी है ये। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, अगर आप नॉर्मली वॉक करोगे अपने रियलमी प्रो के साथ 1080p 60fps के वीडियो फॉर्मेट में, तो कैसे आपको क्वालिटी मिल जाएगी। सो गाइज, नाउ लेट्स टेस्ट द फोकसिंग स्पीड्स कैसे मिलते हैं हमें। तो गाइज, एक माइक्रो सेकेंड का फ़र्क आ रहा है इसमें, बट बहुत अच्छी फोकसिंग स्पीड्स मिल रही है हमें। और कलर करेक्शन भी बहुत अच्छा है। सो गाइज, रिकॉर्डिंग दिस पार्ट ऑन रियलमी 8 प्रो 4K 30fps। जैसे आप देख सकते हो, स्टेबिलाइजेशन उतना आपको 4K में नहीं मिलता, तो आपको आपके हाथ स्टेडी रखने पड़ेंगे अगर आप रियलमी 8 प्रो पे 4K फुटेज निकालना चाहते हो। तो डेफिनेटली आपको हाथ अपने स्टेडी रखने पड़ेंगे। नाउ लेट्स टेस्ट दी फोकसिंग स्पीड ऑन रियलमी 8 प्रो 4K फुटेज। ये भी बहुत अच्छी 4K स्पीड में मिल रही है फोकसिंग स्पीड, आई गेस। सो गाइज, दिस इज फुटेज फ्रॉम द रियलमी 8 प्रो के फ्रंट कैमरा से, और ये बहुत ही अच्छी आ रही है। 1080p 30fps पे ही शूट हो रहा है। और गाइज, इसमें दो अलग अलग मोड है, जो एक है बोके इफेक्ट वाला, जो बैकग्राउंड में बोके डालेगा फ्रंट कैमरा से शूट करेंगे तब भी, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो गाइज, एज यू कैन सी, पीछे का बैकग्राउंड सारा ब्लर हो चुका है। अपने फ्रंट कैमरा से शूट करते हुए भी आपको बोके इफेक्ट मिलने वाला है, तो एक काइंड ऑफ ये अच्छी मूवी टाइप का बैकग्राउंड ब्लर आपको अच्छे कैमरा में जैसे मिलता है वैसे आपको बैकग्राउंड में मिल जाएगा। तो ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट। और एक मोड आपको मिल जाता है, वो है AI मोड, तो वो ट्राई करके देख लेते अभी। सो गाइज, जैसे अभी आप देख सकते हो, ये AI हाईलाइट मोड में है, और ये जैसे आपको कलर्स बूस्ट करके थोड़ा देखा था, ऐसे मैं देख सकता हूँ ये वीडियो मोड में को थोड़े कलर्स बूस्टेड दिखते हैं, बट अच्छा है अगर आप बहुत ही ऐसा कॉन्ट्रास्टी जगह पे जा रहे हो, बहुत ऐसे कलर्स वाले जगह पे, तो और अगर आपको कलर्स पसंद है तो ये मोड आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स सी, मेरे को तो अच्छा लगा, नॉट बैड। और एक एड ऑन ऑप्शन है, तो वी कैन यूज़ दैट। सो गाइज, जैसे आप देख सकते हो, अभी मैंने अपने कैमरा रियलमी 8 प्रो के कैमरा को फ़ोटो मोड में डाल दिया है, और नॉर्मल फ़ोटोज़ क्लिक करके चेक देखते हैं। तो अभी मैं इस फ्लावर की फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, और गाइज इसे अभी मैं AI मोड में क्लिक करके देखता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, इसने डिटेक्ट कर लिया, दिस अ ग्रीन प्लांट, और अभी ये हिल रहा है हवा के वजह से, तो लेट्स कैच इट। Okay. और फिर अभी हम कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ हमारे पास वाइड एंगल है, तो वाइड एंगल में कैसी फ़ोटो आती है वो देख लेते हैं। तो अभी ये वाइड एंगल, और वाइड एंगल में भी आपको AI का ऑप्शन मिल जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कलर्स बूस्ट हो जाते हैं, और वाइड एंगल कितना सही है जैसे आप देख सकते हो। Look at this image. Wow. अब
अभी एआई को बंद कर देते हैं, तो यू कैन सी ऑल द मैजिक जस्ट फेड्स अवे. तो समटाइम्स कलर्स आर बेटर, जैसे आप देख सकते हो. Let's take a portrait shot of this. Okay. So guys, look at this. You can take this also. So guys, as you can see, the detailing was very good. Now let's check out the front camera of the portrait mode with the portrait mode. So guys, now here's the moment of truth. Now let's check out the front camera portrait mode. So guys, as you can see, कितना अच्छा आया है पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे. तो मैं सारे सैम्पल्स मैं तो आपको दिखाने वाला हूँ. As you can see, ये dual video mode है. So if I am walking right away and I am also recording the front camera as well the back camera, main camera. But इसमें आपको stabilization नहीं मिलता, that's an issue. But I guess वो solve हो जाएगा over an update. So that's the thing. So guys, this is the 108 megapixel camera on the Realme 8 Pro. और अभी मैं इसे AI मोड में एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ. और इसमें ज़्यादा शटर लैग भी नहीं है, बट ऑफकोर्स ये 12 मेगापिक्सल के कैमरा को पिक्सल बिनिंग करके 108 मेगापिक्सल का फ़ोटो बना रहा है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा. तो अभी मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि कितना अच्छी क्वालिटी है 108 मेगापिक्सल के कैमरा की, और वो भी AI की मदद से तो और चार चांद लग रहे हैं. तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने इतना जूम किया फिर भी वो ब्लर नहीं हो रहा. लिटरली मैं यहाँ पे जूम इन कर पा रहा हूँ और फिर वापस जूम आउट कर लूँ. सो गाइज, हमें यहाँ पे Realme 8 Pro पे एक मूवी मोड भी मिल जाता है जो बहुत ही स्टेबल है, जैसे आप देख सकते हो. और स्पेशली मूवीज़ वगैरह शूट करने के लिए आएगा, मतलब व्लॉग्स या फिर कोई ऐसी सिनेमैटिक शॉट, दिस इज़ अ गुड थिंग. डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा मोड है. तो जैसे आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है. और इसमें भी फोकसिंग स्पीड्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी फोकसिंग स्पीड्स है. ऐसा कोई फोकस लॉस यहाँ पे मिलता नहीं हमें. और गाइस, Realme की एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये नोटिस की मैंने कि उन्होंने ये 8 Pro में बहुत अच्छा माइक्रोफोन का सेटअप लगाया. लाइक तीन अलग अलग माइक्रोफोन सेटअप है इसमें, ट्रिपल माइक्रोफोन है. उसकी वजह से इधर विंडी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छे से आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है. विंडी हो या फिर बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ में भी आप व्लॉग या फिर वीडियो कर रहे हो तो फिर भी आपकी नॉइज़ एक मतलब उतनी दब नहीं जाती जितनी नॉर्मली स्मार्टफोन में दब जाती है बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से. बट ये बहुत ही अच्छा मुझे चीज़ लगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता था मेरे कैमरा रिव्यू में ये चीज़. तो वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड अ प्लस पॉइंट फॉर Realme 8 Pro कैमरा रिव्यू. So guys, that's it for the in detail camera review of Realme 8 Pro. अगर आपको अच्छा लगा ये मेरा in detail camera review तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर करना मेरे फ्रेंड्स और फैमिली तक ताकि उनको पता चले कि Realme 8 Pro का कैमरा कितना अच्छा और एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है. तो डेफिनेटली वी नेल्ड इट, बहुत अच्छा. वी नहीं, Realme नेल्ड इट, बिकॉज बहुत अच्छा आउटपुट मिले मुझे अलग अलग मोड्स में. और मोड्स भी बहुत सारे, जैसे अभी आपने देखे ही होंगे कितने सारे अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं आपको इस कैमरा के साथ. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड इफ़ यू वांट अ कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर Realme 8 Pro. नीचे बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे दे रखी है, तो डेफिनेटली आप उधर जाके भी परचेज कर सकते हो. सो गाइज, फॉर नाउ सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.